और अपना बैग कहाँ है? मुझे किसी का बैग मिला। राम राम, मेरा नाम शिवम और मैं हूँ विशाल। तो गाइस तुम्हारे भाई आ गए। आज इतना सही कंटेंट है ना भाई, आप देखते ही ना सबसे पहले लाइक कर दोगे, उसके बाद सब्सक्राइब। क्या कह रहा है? पहले यार इसके लिए सॉरी कि वीडियो थोड़ी सी लेट होगी, क्योंकि यार बीच में बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा। आप वेट कर रहे थे क्या? अबे अपना काम कर। तो गाइस आज की जो वीडियो में है भाई, उसमें हम जाने वाले एडवेंचर आइलैंड। उसके अंदर भाई कुछ ऐसा स्पेशल ऑफर चल रहा है ना, जो ऑफर अगर हम आपको बता देंगे ना, आप भी भगते हुए जाओगे वीडियो से पहले। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ऐसी चीजें आप सीपी जाओगे तो आपको देखने मिलेगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप अगर रिठाला हो, रिठाला मेट्रो के पास में ही है। बाकी गाइस आज की वीडियो काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है। जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा अभी तक तो भाई सब्सक्राइब कर लो, और जिसने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया ये इंस्टाग्राम हैंडल हमारे फॉलो करो यार। इंस्टाग्राम को किलो में बढ़ा दो यार। कोई सेंस है इस बात की? यार वहाँ पे हम चलते ज्यादा बकवास ना करते, वहाँ पे दिखाएंगे आपको अच्छी अच्छी चीजें जो की आपने कभी नहीं देखी होंगी मेरे भाई। यार लाडले क्यों बोले हो रहे हो मेरे भाई? तो चलते हैं भाई जल्दी से। तो गाइस यार फाइनली हम आ चुके हैं एडवेंचर आइसलैंड। पीछे आप देख सकते हो बिल्कुल गाइस इसी के नीचे से भाई हमें एंट्री मिलेगी, और टिकट वगैरह सब कुछ यहीं से मिलेगी। अंदर जाके क्या क्या एक्टिविटी करेंगे सब कुछ आपको दिखा देंगे। और यहाँ का भाई अगर आपको एड्रेस चाहिए ना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है रिठाला, यहाँ से 800-700 मीटर की दूरी पे होगा। डायरेक्ट अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं एक से एक बढ़िया एक्टिविटीज जो कि हम आपको दिखाने लाए हैं। अंदर चलते हैं तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। गाइस मैं आपको यहाँ मेट्रो वॉक में आए हैं, तो मैं आपको यहाँ का ऑफर कुछ बता दूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप यहाँ पर आओ। वैसे आपको टिकट काउंटर भी पता चल जाएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा डीपली मतलब क्या इसके बारे में बता दूँ। देख लो कैरी हाउस है जो है 100 रुपये में, और डायनासोर 100 रुपये में, और वॉर्टेक्स टनल 50 रुपये, मिरर मेज 50 रुपये में। गाइस अगर आप ये सब आप लोगे ना तो आपको 300 का पड़ेगा, अगर आप ऑफर के हिसाब से लोगे तो 200 का पड़ जाएगा आपको। 200 में सारी चीज़ें आराम से, और मज़ा आ जाएगा आपको घूम के। बाकी अंदर चलते हैं और टिकट लेके आपको दिखाते हैं क्या अंदर देखने को मिलता है, क्या नहीं देखने को मिलता, क्या मज़ा आता है। तो गाइस वहाँ से एंट्री लेते ही सामने आपको भाई यहाँ पे टिकट काउंटर मिल जाएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी यहीं पे मिल जाएगी, और टिकट भी आपको यहीं पे मिल जाएगा जो कि हमने कॉम्बो लिया, टिकट हमने ले लिया जो कि शिवम के हाथ में। तो चलते हैं आप जल्दी से अंदर। तो गाइस देख सकते हो मेरे पीछे ही है भाई यहाँ पे गेट डायनासोर पार्क का। ये हमको हम आपको थोड़ा कम ही दिखाएंगे, क्योंकि भाई ये दिखाएंगे तो आप बोर हो जाओगे, क्योंकि इसमें इतना कुछ खास नहीं है, बड़े बड़े ऐसे डायनासोर ही दिखेंगे आपको। वैसे भाई अंदर बहुत शोर आ रहा है, डायनासोर एक कुत्ते हैं। ओ तेरी भाई साहब यार, ये देखो भाई पहले हमें ये डायनासोर का अंडा दिखा है। सबसे पहले यही दिखाया भाई, इसमें से झांक रहा है ये डायनासोर, इसका नाम वाम कुछ नहीं लिख रखा यहाँ पे। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो यहाँ सब लिखा हुआ है। 75 मिलियन पहले ये मतलब डायनासोर की प्रजाति होती थी, जैसे ये हो गया। इसके बारे में अगर आपको जानना हो सब कुछ आपको यहाँ लिखा मिल जाएगा, ज़रूरी नहीं कि मतलब खाली फोटो खिंचाओ। ये डायनासोर देख सकते हो भाई साहब, ये आपने मूवीज़ में बहुत ज़्यादा देखा होगा। पीछे देखो भाई पोस्टर पे जुरासिक वर्ल्ड का पोस्टर, इस डायनासोर के बारे में लिखा हुआ है। इंसान की हाइट देखो डायनासोर के इतनी है मतलब। ओ तेरी तेरे पीछे भाई, भाई में दिखाऊं क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से भाई। ये क्या हुए तो चेयर बना रखा है डायनासोर वाला, चेयर बच्चों के लिए काफी सही है भाई, आके बैठ जाओ आराम से रिलैक्स करो और देखते रहो। ये तो एनिमल हरासमेंट है। इधर आपको फोटो खिंचानी है तो फोटो खिंचवा सकते हो आराम से, जैसे डायनासोर है और यहाँ पे मुंडी आ जाएगी इसके अंदर। तो गाइस देख सकते हो आप कुछ इस तरीके से फोटो खिंचवा सकते हैं, जैसे शिवम अभी अंदर गया है। तो गाइस आप अंदर बैठ सकते हो, फोटो खिंचा सकते हो मढ़िया एकदम आराम से। तो गाइस ये वाला डायनासोर देख सकते हो जो कि आपने मूवीज में देखा होगा, ये वाला डायनासोर शाकाहारी होता है, मांस नहीं खाता। जब भी इतना बड़ा है, अभी हिल रही थी इसकी गर्दन, अभी नहीं हिल रही। देखो भाई गर्दन भी हिल रही है अभी इसकी। यहाँ पोस्टर बढ़िया बढ़िया लगा रखे हैं एकदम भाई। ये तेरे पीछे ऐसा लग रहा मंदिर पे खड़ा हुआ है, तो एकदम मंदिर के सामने। मतलब ये पेंटिंग्स काफी ज्यादा अच्छी है, ज्यादा रियल है। फोटो वगैरह क्लिक करवा सकते हो काफी ठीक है। देख लो भाई कितना बढ़िया व्यू आ रहा है अभी तक तो। ये अगर मतलब ब्लर कर दो पीछे जाए लगेगा तो मंदिर के सामने खड़ा हुआ। अगर ब्लर कर दिया तो पीछे का तो दिखेगा ही नहीं। गाइस देखो ये डायनासोर किंग ऑफ लिजार्ड में आता है भाई। ये देखो भाई कितनी पास चला गया मैं, ऐसा लग रहा है अभी कैमरा पकड़ लेगा मेरा। ये देखो भाई सांप कुंडली मार के बैठा है, इतना रियलिस्टिक लग रहा है ना। हाँ यार ये देखो गाइस यार मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे भाई ज्यादा कुछ दिखाने लायक नहीं है यहाँ पे। भाई बच्चों के लिए काफी बढ़िया है ये, जितना हमें हो सकता था ना उतना आपको दिखा दिया, आप उससे ज्यादा दिखाएंगे आप बोर हो जाओगे यार। बाकी यहाँ पे पोस्टर वोस्टर बहुत बढ़िया लगे, फोटो खिंचाना फोटो खिंचा सकते हो आराम से, कुछ देखना देख भी सकते हो। बाकी चलते हैं देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या होने वाला है।
तो गाइस देख सकते हो मेरे पीछे ये चार एक्टिविटी हम अभी करेंगे, जो कि भाई जिनका जाने का रास्ता ना यहाँ सीढ़ियों से है। आप कंफ्यूज मत हो ना, वहाँ जहाँ डायनासोर पार्क था ना उसके जस्ट सामने है भाई। तो जल्दी से यहाँ से ऊपर चलते हैं और दिखाते हैं आपको क्या इंटरेस्टिंग हो सकता है इसमें। तो चलो गाइस हम यहाँ से जीने से आ गए ऊपर और हमें सामने आपको तीन तीन एक्टिविटी दिख जाएंगी जो कि बच रही है। यहाँ सबसे पहले आपको दिख जाएगा इस तरफ से वोर्टेक्स टनल है, उसके बाद स्कैरी हाउस है और उसके बाद ये है मिरर मेज। सोच रहे सबसे पहले कहाँ चलें? सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ भाई हम उसमें चलते हैं जो सबसे ज्यादा डरावना है, इसका मतलब स्कैरी हाउस में। स्कैरी हाउस तो चलते हैं यार, देखते हैं डर लगता है या नहीं। आगे कच्चे गीले ना हो जाए भाई, डर तो नहीं लगेगा ना, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। ये देखो भाई कितना बढ़िया डेकोरेट कर रखा है, गेट कितना बढ़िया डेकोरेट कर रखा है। 12 seconds later. तो भाई फाइनली हम अंदर आ चुके हैं और स्टार्टिंग में इतनी तेज आवाज आई ना शिवम तो डर गया भाई पूरा। भाई चलते हैं अंदर जल्दी से, देखते हैं अंदर क्या देखने को मिलता है। लग रहा है यार थोड़ा बहुत डेंजर तो लग रहा है, चलते हैं भाई। आओ चलना आगे आगे, चल तू चल भाई, कैमरा पकड़ रहा है ना। तो भाई देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी चीजें से आगे से निकल रहा है, डर आ रही है ये। ओ भाई साहब ये कोई उल्टी लटक रखी है भूतनी, देखो यार। आजा आजा चलते हैं आगे, देखो दिख नहीं रहा कुछ। देख सकते हो भाई डराने की पूरी कोशिश की है भाई। देखो भाई शिवम आगे आगे चल रहा है भाई, ये पैर में लगेंगे डर लगेगा फिर। ये देखो ये बॉडी कटी हुई पड़ी है यहाँ तो भाई साहब। ये देखो जादू एकदम से नजर पड़ी, मैं डर गया। आजा डर लग रहा भाई यहाँ पे, तो बहुत डर लग रहा है भाई साहब। ओ ये क्या है भाई, ये तो आत्मा लेटी हुई है। बहुत से डर लग रहा भाई, जिले कान का हाथ लगा रखे मैंने। डर मत, मैं हूँ तो देख सकते भाई चमगादड़। शिवम डर गया भाई साहब, डर लग रहा है। सामने देख क्या है, ये क्या है बे, मतलब कोई भूत वूत है क्या? तो भाई ये चीजें एकदम से अटैक कर रही है भाई, अचानक से डर लग रहा है यार भाई। जब मैं आगे आगे जा रहा हूँ देखता हूँ भाई मेरे को डर लगता है या नहीं, मैं देखने में तो भाई डरावना लगी रहा है। ये देखो ये कुछ आधी बॉडी कटी पड़ी है, कुछ ये भाई पुतले पड़े हुए हैं, अब एकदम से पकड़ेंगे तो नहीं। अबे भाई यहाँ पे खत्म हो गया, चलते हैं बाहर और आपको दूसरे। ये आ गया हमारा एग्जिट गेट, डर लगा भाई? लगा थोड़ा बहुत। बाकी दूसरे पे चलते हैं, मिरर मेज दिखाते हैं। मिरर मेज में आ गए स्कैरी हाउस के बाद, अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या है अंदर। वो कैमरा अलाउड नहीं, लेकिन किसी तरह आपकी तरह जुगाड़ करके। तो गाइस फाइनली हम अंदर आ चुके हैं, मेरे को लगा है शीशा सामने, शीशा किधर नहीं है वो देखो, यहाँ पे है, यहाँ शीशा है। ओ तेरी, अबे यहाँ पे है शीशा, देखिए। हाँ भाई एक काम करते हैं इसको ना थोड़ा फनी बनाने के लिए, एक काम करते हैं मेरे पास जो बैग है ना वो बैग अपन फेंक देते हैं कहीं, वो फिर उसे ढूंढेंगे जैसे हेरा फेरी में सीन होता है। ठीक है वहां पे है तू, हेरा में हेरा इधर तो गाइस देख सकते यार अभी मैं यहाँ पे खो चुका हूँ मिरर मेज में, मेरी समझ नहीं आ रहा कहाँ से रास्ता है। भाई तेरे को कुछ पता चल रहा है कहाँ गया शिवम, कहाँ है भाई? बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा शिवम, देखो वो रहा, बिल्कुल भी भाई कुछ पता नहीं चल रहा, समझ नहीं आ रहा कहाँ से कहाँ जाना है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इधर सामने चलते हैं सामने, और ये तो शीशा है और ये भी शीशा है, शीशे शीशे भाई, शीशे भाई, नहीं चल रहा कुछ भी। वो देख सामने, देख सामने तो एकदम सीधी गली सी लग रही है, चले गली में चल चलते हैं, तेज चलना थोड़ा अभी तेज के चक्कर में सर लग जाता है इसमें। एक बात बताऊं क्या, जहां से हमने एंट्री ली थी ना वहां से हम एग्जिट नहीं ले सकते, एग्जिट का गेट इसका दूसरा है, कहाँ पे वो ढूंढना पड़ेगा, यही तो इसमें टास्क है। मेरे को तो लग रहा वही है, मैंने भी भैया से पूछा था ना, भैया बता रहे थे भाई इस गेट से वापस नहीं आ सकते आप। और अपना बैग कहाँ है, देख वो रखा बैग सामने, मुझे किसी का बैग मिला, बैग उठाइयो बे, बैग कहाँ है अपना? शुक्र है बैग मिल गया यार भाई, टक्कर मत खाजी भाई, अपना जल्दी से एग्जिट ढूंढते हैं यार और निकलते हैं यहाँ से भाई। वोर्टेक्स टनल आ गया, मिरर मेज से आ गए हम, अंदर चलते हैं। आ जा भाई, टनल चालू हो गया भाई साहब, ये तो सर घुमा रहा है
गाइस मैं आपको बताता हूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा हम घूम रहे हैं, हमें भी ऐसा लग रहा है, बट हम नहीं घूम रहे, हम एकदम स्टेबल खड़े हुए, ये घूम रहा है हमारे चारों तरफ ऐसे, कहना है ना। ओ भाई ओए, ओ भाई साहब ओए, री है री है गाइस, ओए घूम रहा है ये तो, क्या हो गया, ओए घूम रहा पूरा का पूरा, ऐसा लग रहा है ना हम घूम रहे हैं, हम जिसमें खड़े हैं वो घूम रहा है, वो समझ ही नहीं आ रहा क्या घूम रहा है, ओए ओए ओए। तो गाइस देख सकते हैं शिवम की हालत कैसी हो रही है इस टाइम। 12 seconds later। ऐसा नहीं लग रहा सर घूम रहा है, दुनिया तो नहीं घूमी भाई, सर ही घूमा है बस। फ्लोर घूम रहा था भैया को लगा दुनिया घूम रही है, दुनिया तो हम घुमा देते हैं बंदों की भाई। तो भाई कैसा एक्सपीरियंस है ये तो बता, भाई एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा सही था, और एक्सपीरियंस से ज्यादा जो मेरे को सही लगा ना वो प्राइस सही लगा, सही बताऊं 200 रुपए में हमने चार एक्टिविटी कर दी जो कि चारों आपने देखी, मेरे को तो काफी ज्यादा सही लगा भाई, मजा आया, आप भी आ सकते हो, ऑफर कुछ ही टाइम के लिए है, फिर बाद में भाई ये सब चीज के ना प्राइस बढ़ जाएंगे, उस हिसाब से मैं तो आपसे कह रहा हूँ जल्दी से जल्दी आओ यार और इन्जॉय करो भाई, बाकी हम अपना असली जो है ना एक्सपीरियंस और रिव्यू यहाँ का वो हम आपको आउटरो में प्रोवाइड करवा देंगे, आउटरो में सब कुछ बता देंगे भाई, कैसा लगा कैसा भाई, मुझे तो अभी तक चक्कर आ, अभी तक चक्कर आ रहे हैं देख के, मेरे ना पैर ऐसे ऐसे हो रहे हैं भाई, मजा आ गया था है। तो मिलते हैं जल्दी से आउटरो में। A few moments later. तो गाइस यार फाइनली हम आ चुके हैं मेट्रो वॉक, तो मतलब आइसलैंड, तो पंजाबी गल कर रहे हैं दो मुहे नाग यार, वहाँ पे हम गए तो यार मजा ही आ गया, क्योंकि भाई वहाँ पे एक्टिविटी इतनी तोड़ तोड़ थी ना। अच्छा यार वहाँ पे गए तो भाई भूत तो वहाँ पे कोई असली मतलब बन के कोई था नहीं, लेकिन वहाँ पे बहुत बड़ा डरावना लग रहा था, क्योंकि बहुत तेज तेज आवाज आ रही थी वहाँ पे। असली भूत तो कोई था नहीं, पर भाई को जब भी डर लग रहा था यार, और विशाल तो भाई रोने लग गया था वहाँ पे, क्लिप डाली नहीं, वो तो मेरा भाई है। तो लास्ट में जो हमने एक्टिविटी की ना भाई, उसमें तो मेरा सर घूम गया था, लास्ट में बाहर आने के बाद भी ना मैं ऐसे घूम रहा था, उल्टी आते आते बच गया, ये नहीं तो बंदे बोलते कांग्रेचुलेशन। तू समझा? हाँ, नहीं तू समझा नहीं। गाइस जो ऑफर हमने आपको दिखाया ना वो भाई लिमिटेड ऑफर है, जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा, तो वो खत्म होने से पहले आप आ जाओ, ठीक है। गाइस वीडियो कैसी लगी है बता देना, हम आपको मिलेंगे दूसरे वीडियो में, जब तक भाई आपको ख्याल रखना है अपना और अपने परिवार का, जब तक हम दोनों भाइयों की तरफ से राम राम, राम।